मैं अपने दोस्त के साथ एक जंगल में सैर करने के लिए गया। सैर भी थी और कुछ खोजते भी रहते थे हम वनस्पतियों के बारे में। जंगल में न जाने पहुंच के हम कब अलग हो गए मालूम ही नहीं पड़ा। वो कहीं और चला गया, मैं कहीं और था गया। मैं एक पेड़ के नीचे कुछ खोजने लगा। खोज कर मैंने जब जमीन से उसको निकाला तो कुछ और चीज थी। मैं उसको देखने लगा और जब मैं देख रहा था तो जिस पेड़ के नीचे मैं खड़ा था उस पेड़ के ऊपर से एक नाग मेरी आंखों के सामने आके फन काढ़ के खड़ा हो गया, पेड़ पर लटके ही लटके। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। जब मैंने आंख खोली तो देखा एकदम के लिए मैं झटका थोड़ा सा, पर मुझे मालूम था कि पेड़ पे लटके हुए सांप कभी फन नहीं मार सकते हैं। सांप की आंखों ने मुझे वशीभूत कर लिया था। फिर उसके मुंह से आवाज निकली। उसने कहा, तुम शायद ठीक आदमी लगते हो मुझे। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, न जाने कब मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मैं एक बार अनुभव करना चाहता हूं कि किसी इंसान के कंधों पर बैठकर कैसा लगता है। इच्छा तो मेरी शिव जी के कंधों पर बैठने की थी, लेकिन मैं चाहता हूँ, ये महसूस करना चाहता हूँ कि किसी इंसान के कंधों पर बैठकर कैसा लगता है। अगर तुम मुझे बैठने दोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ दूंगा। मैं तो वशीभूत था। मैंने कहा, जो देना है दे देना, अगर आप बैठना चाहते तो बैठ लो, प्रॉमिस करो मुझे कि आप काटोगे नहीं। वो नाग बोला, मैं क्यों काटूंगा यार, मैं क्यों काटूंगा तुम्हें, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं रहे हो। तुम्हें काट कर मुझे तुम्हारा खून भी नहीं चूसना है, फिर तुम्हें मैं क्यों काटूंगा। हम लोग काटने के लिए थोड़ी काटते हैं कोई। पर धन्यवाद, मैं आपके कंधे पर आके बैठ जाऊं। वो धीरे से मेरे कंधे पर उतरा और मेरे सर के ऊपर फन काढ़ के खड़ा हो गया। और उसने मुझे वहां पर कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक नायाब चीज दे रहा हूं, मणि, एक मणि। मैंने कहा, इस मणि का जिक्र तो मैंने सुना है, लेकिन मुझे मालूम नहीं इसका यूटिलिटी क्या है, बड़ी नायाब है। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, धन से तुम माला माल रहोगे, कोई रोग तुम्हारे पास फटकेगा नहीं, सब जगह तुम्हारी ख्याति फैलेगी और न जाने क्या क्या। वो तो उसको जेब में रखने के बाद ही समझ में आएगा। फिर वो हंसा और बोला, बस मेरी लंबी उम्र की प्रार्थना करो। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, जब तक मैं जीवित रहूंगा ये काम करती रहेगी, जिस दिन मैं मर गया उसका असर भी खत्म हो जाएगा। गौरवित हूँ, तुमने मुझे चुना और मैं थ्रिल्ड हूँ कि ऐसा होगा। मैं वो मणि देखना चाहता हूँ। उसने कहा, भी देता हूँ, उसके मुंह में मणि।
मणि रखी हुई थी उसने निकाल के मेरे हाथ पर दे दी। हम लोग बात कर ही रहे थे कि मेरा दोस्त वहां पर कहीं से आ गया और उसने मुझे देखा और देखा कि नाग मेरे कंधे के चारों तरफ, मेरे गर्दन के चारों तरफ लिपटा हुआ है। तो उसने फौरन अपने घर अपने जेब से पिस्तौल निकाली और नाग का फन फाड़ के रख दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तूने क्यों मारा उसे? उसने कहा, वो तुझे काट रहा था यार। तुझे कैसे मालूम कि वो मुझे काट रहा था? वो तो बैठा हुआ था मेरे ऊपर। तूने तुझे नहीं मालूम तूने क्या कर दिया? तूने एक नाक की जान ही नहीं ली, मेरी किस्मत भी ले गया तू। बोला, मैं समझा नहीं। मैंने कहा, मत समझ यार, मत समझ, इसको वैसे ही रहने दे। मैंने मणि को उठाया और जंगल के एक तालाब में फेंक दिया। तब से वो मणि वहीं है और सांप नहीं है, नाग नहीं है, तो उसका मुंह दो कौड़ी का है। आपकी किस्मत में अगर लिखा नहीं है तो कुछ भी नहीं मिल सकता आपको। थोड़ा ड्रामेबाज हुआ जाए।